श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से जो 6 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं वो बहुत ही सामयिक हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं या यहाँ जो गृह मंत्रालय में देखते होंगे या जो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किए हों उनको अनुभव होगा कि इससे कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है इस संस्था को। बहुत सारे स्टेट्स में चीफ जस्टिस रिटायर्ड मिलते नहीं, वर्षों तक पद खाली रहते हैं, खुशामद करना पड़ता है, मिलते नहीं हैं। लेकिन अब जब ये एक जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें केंद्र में भी चीफ जस्टिस के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और राज्यों में भी चीफ जस्टिस और जो हाई कोर्ट के जज हैं, तो अब कहीं भी इसको शीघ्र गठन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण बहुत लोग उपलब्ध होंगे। एक बात और कही गई कि साहब इनका रिपोर्ट जो है बता रहे थे टूथलेस है, रिकमेंडेशन वाली बॉडी है, लेकिन ये चीज़ जानना चाहिए कि इनके जितनी भी रिपोर्ट होती है एक महीने के अंदर आपको उस पर एक्शन टेकन बताना पड़ता है। और मैंने जो देखा है बिहार में कि जितनी बार भी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारा वहाँ रहा, जितने भी रिकमेंडेशन दिए, और रिकमेंडेशन दोनों देते हैं, अंतरिम भी देते हैं और उसमें दो तरह की बात करते हैं, जो भी उसमें दाखिल करता है उनको कंपनसेशन दिलवाते हैं। साथ ही कुछ पदाधिकारी इसकी चर्चा कर रहे थे, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हों कोई हों, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और भी कार्रवाई की अनुशंसा होती है जो सरकारें करती है। और ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कोई अलग से सरकार नहीं है। जो हम लोग कह रहे हैं कि सारे इनका रिकमेंडेशन को बिल्कुल मैंडेटरी बना दीजिए और सब चीज़ इनको दीजिए, तो फिर सरकार की ज़रूरत क्या है? ये सरकार से अलग रह कर करके सरकारी विभाग के द्वारा, अफसरों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जो अगर उत्पीड़न किया जाता है उसके निपटारे के लिए की बॉडी। और ये जब जिसको हम अगर पूरा जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में लोगों को इस पर विश्वास बढ़ेगा। और ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई DGP रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएंगे तो साहब अच्छा काम नहीं करेंगे, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ऐसा मत सबको खारिज कर दीजिए कि सब लोग जो हैं बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ही होते हैं। सब लोगों का अपना अपना ह्यूमन वैल्यूज़ है और जहाँ वो जाते हैं काम करते हैं और जो इशूज होते हैं उस पर भी जजमेंट देते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई जो एक्सटेंशन होगा उनका या वो जो उनको दोबारा टर्म मिलेगा वो ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें एक कमेटी है। और कमेटी को अगर देखिएगा तो कमेटी में सिर्फ सरकार के लोग नहीं हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, अगर वहाँ पर स्पीकर हैं वहाँ वो भी हैं, अगर आपके पास काउंसिल है तो उनके भी हैं। ये बहुत बड़ी बॉडी है और जिसमें सब लोग जिम्मेवार लोग हैं, 5-5, 6-6 लोग बैठ कर निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जो सरकार के पक्ष में देगा उसी का सिर्फ कंटिन्यूशन होगा। बल्कि हमने तो आज तक कोई देखा नहीं कि सरकार किसी को डायरेक्शन दे, बल्कि उनके जो रिकमेंडेशन आती है उसको सरकार मानती है। और इसलिए चूंकि हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा संविधान का कमिटमेंट है, हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स है उसका कमिटमेंट है, और ये जब संशोधन हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रदेश में अब जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन ठीक से होगा और बढ़िया काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रामचंद्र बाबू।